वो प्रॉपर्टी वैल्यूबल हो या इन हो वैल्यूबल इन अ सेंस दैट वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी की लैंड हो सकती है या किसी के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे किसी का मोबाइल फ़ोन है या किसी की गाड़ी है या किसी का घर है ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर्टी के ज़ुमरे में आती हैं लेकिन अमूमन हम जब प्रॉपर्टी को टिपिकली डिफ़ाइन करते हैं तो इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि हाउ दैट प्रॉपर्टी इज़ लीगली डिफाइंड तो किसी भी जस्टिस सिस्टम के अंदर जो उसकी लीगल रिप्रिकॉशंस हैं वो उसकी उस लीगल डेफिनेशन की वजह से होती हैं सो एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी क्राइम इंक्लूड बर्गलरी थेफ्ट एंड आर्सन आप किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रेसपास नहीं कर सकते उसके प्रोप्रिएटर या उसके मालिक की इजाज़त के बगैर अगर आप ये करते हैं तो पोटेंशली ये एक क्रिमिनल या वायलेंट एक्ट कंसीडर होता है तो बर्गलरी जो है जिसमें के ऐसी चोरी होती है कि जो किसी की प्रॉपर्टी को ट्रेस पास करके की जाती है इसी तरह से थेफ्ट है जैसे कार थेफ्ट है या मोबाइल फ़ोन को का चोरी करना है या मोबाइल स्नैचिंग है ये सारे जो हैं आपके प्रॉपर्टी क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं पाकिस्तान हैज़ द हाई रेट ऑफ प्रॉपर्टी क्राइम अनफॉर्चुनेटली विद सम एस्टिमेट सजेस्टिंग दैट देर आर ओवर हंड्रेड थाउजेंड रिपोर्ट केसेज ऑफ थीर रिसेंट पास में आपने न्यूज़ के अंदर भी देखा होगा स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं जिसमें ख़ासतौर पर व्हीकल थेफ्ट है मोबाइल स्नैचिंग है या और बाकी जो प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं लोगों से उनकी नकदी छीन ली जाती है ऑर्नामेंट्स uh, जो ख़ुत के जेवरात होते हैं वो चोरी कर लिए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी क्राइम्स के ज़ुमरे में आते हैं आल दो के मेकनिज़म्स ऑफ सोशल कंट्रोल हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जो इनफॉर्मल मेकानिज़म्स ऑफ सोशल कंट्रोल हैं वो बहुत स्ट्रॉग हैं और हमने देखा कि माजी के अंदर जो इन मेकानिज़म सोशल कंट्रोल के नस्बत जो की वजह से हमें जो है वो डेवियंसी को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीसेंट पास के अंदर चूके हमारे रिसोर्स के ऊपर जो एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड हो गई है गुरबत बढ़ रही है इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत बढ़ रही है तो इसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं इनके अंदर भी एक्सपोनेशली बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया है फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रावलेंस ऑफ प्रॉपर्टी क्राइम इन पाकिस्तान कैन इंक्लूड पावर्टी लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड करप्शन इन लॉ इन्फोर्समेंट तो लॉ इन्फोर्समेंट की करप्शन इन इट्स सेल्फ एक मेजर फैक्टर बन जाता है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी क्राइम्स को करने में मजबूर हो जाते हैं या मोटिवेट होते हैं अगर लॉ इन्फॉर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो इसके हवाले से इस एक्ट को सख्ती से डील करना शुरू कर दें और दोर्ड सख्ती से डील करना शुरू कर दें जिसमें कि जस्टिस सिस्टम जो है वो क्लास बेस्ड जस्टिस सिस्टम ना हो बल्कि अक्रॉस द बोर्ड इक्वल या इक्वालिटी बेस्ड जस्टिस सिस्टम हो तो इसकी बुनियाद पे प्रॉपर्टी क्राइम्स को मिनिमाइज या रिड्यूस किया जा सकता है सो इन नेचुरल दीज प्रॉपर्टी क्राइम्स इन पाकिस्तान आर प्रेवलेंट फॉर मेजरली फॉर द दैट लॉ इन्फोर्समेंट इज़ नॉट एक्टिव एंड नॉट इफेक्टिव एंड इन एडिशन टू डेट ड्यू टू पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन